लोग क्या कहेंगे, मत सुनो उनकी बातें, बस मेहनत करो। जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसी बात को सोचकर हजारों टैलेंटेड लोगों ने अपने सपनों को, अपने टैलेंट को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है। और इसी तरह से टूट रहे हैं हजारों टैलेंट और हजारों सपने। हमारे देश के हर गलियों में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो सब अपने सपनों के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर वो लोग अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, ये स्वार्थी दुनिया में लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर अपने सपनों को, अपने टैलेंट को दबाकर मत रखो। जैसे कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसे इस दुनिया में इंसानों के अंदर हिंसा और दूसरों की कामयाबी देखकर जलना ये आदत है, इंसानों के अंदर से कभी नहीं जाएगी। मेरे दोस्त, आज अगर तुम ये सोचकर अपने सपनों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो ये बात याद रखना कि वही लोग आज से 5 से 6 साल बाद तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितना कमाते हो। तो तुम उन सबको क्या जवाब दोगे? तुम क्या ये कहोगे कि लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर मैंने अपने लाइफ में एक्शन नहीं लिया? मेरे दोस्त, ध्यान मत दो उन सब लोगों की बातों में। ये जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें भी कुछ करने नहीं देंगे। अरे इन्हें क्या पता तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं। अरे एक बार अपने आप को आईने में देखो, क्या आप उन निगेटिव सोचने वाले लोगों की तरह हो या आप उनकी तरह सोचते हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो आप उन लोगों की बातें सुनकर रुक क्यों जाते हो? अरे उनका ना कोई सपना है, ना कोई लक्ष्य है, उनका सिर्फ काम है लोगों को नीचा दिखाना और सबको डिमोटिवेट करना। मेरे दोस्त, उन सब लोगों को इग्नोर करो और आपके अंदर जो टैलेंट है उसके ऊपर काम करो। मेरे दोस्त, आपके मम्मी पापा आपके लिए कितने सपने देखते हैं कि मेरा बेटा वो बनेगा, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा। अरे बोलने दो जो बोल रहा है, हंसने दो जो हंस रहा है। ये बात याद रखना कि खाली प्लेट और खाली दिमाग हर वक्त ज़्यादा आवाज करता है। मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत खराब है। अगर कोई अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है तो इसे ये दुनिया पीछे खींचती है, और जो इस दुनिया के रेस में पीछे है उसे ये दुनिया इग्नोर करती है। मेरे दोस्त, आज जो तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर अफसोस करेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात को ना सोचकर अपने काम के ऊपर ध्यान दो। आप जब सफल होंगे तो आपका काम ही आपको अलग पहचान देगा, और जब आप कामयाब बनोगे तो लोग आपको देखकर जलेंगे, और अगर आप नाकामयाब बनोगे तो वही लोग आपको देखकर हंसेंगे। इसलिए लोगों की बातें ना सुनकर आपका जो सपना है उसके लिए मेहनत करो। आपके अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो। अगर कोई आपको देखकर हिंसा करे तो समझ जाना कि आप उससे बहुत ज़्यादा कामयाब बन चुके हो। मेरे दोस्त, ये एक ही जिंदगी है, ये अगर एक बार चला गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने जो सपना देखा है उस सपने को पाने के लिए दिन रात एक कर दो। ये बात याद रखना, आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य, आपका सपना। अरे दिखा दे इस दुनिया को अपना टैलेंट, और दिखा दो इस दुनिया को कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपके दोनों आँखों के बीच में एक ही चीज होना चाहिए,
और वो है आपका सपना। आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए और वो है कि आप अपने आप को 5 से 6 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। अरे लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोचने से पहले आप अपने बुरे वक्त को देखो, अपने मम्मी पापा की तरफ देखो, वो लोग आपसे कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मेरे दोस्त, अगर आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोई आपको 10 रुपया देकर हेल्प नहीं करेगा, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम बहुत अमीर आदमी बनो, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसो आराम हो, सब कुछ हो तुम्हारे पास। जब तुम अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे, तुमको देखकर मजाक करेंगे, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ना देकर आपको अपने सपनों के ऊपर फोकस करना है। वीडियो के एंड में इतना ही कहूँगा कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल कर देते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।